हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आर्टिकल नंबर 137 के बारे में। आर्टिकल 137 बात करता है रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है या कोई जजमेंट दिया है उसको आप रिव्यू करवा सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 135, मतलब 145 जो आर्टिकल है वो बात करता है रूल्स की। सुप्रीम कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है, वो अपने प्रोसीजर को फुलफिल करने के लिए, जिस तरह से काम करना है, काम को ख़त्म करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, वो अपना प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है, अपना सकता है कोई भी प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लगता है। तो उसी में बात करिए कि 145 में जो रूल्स बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय और ऑर्डर मेड बाय इट। तो कोई जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है या कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। मतलब जो मैंने ऑर्डर दिया है मैं वापस रिव्यू का बेसिक मतलब होता है कि मैं दोबारा उस चीज़ को देखूं कि मैंने जो बात बोली है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोली है वो सुप्रीम कोर्ट वापस देख सकता है कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर इसमें कहीं गलती है तो फिर हम इसको चेंज करें। तो जैसे रिसेंट में सबरीमाला का केस आया था, सबरीमाला जो एक मंदिर है उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे तो दिया है कि बिल्कुल आप अलाउड हैं, जो फीमेल्स की एंट्री थी वो पहले बैन थी लेकिन अब अलाउड कर दी है। लेकिन अब क्या है कि उसको रिव्यू पिटीशन जो है वहाँ रिव्यू पिटीशन उसके लिए डाली गई थी, तो रिव्यू पिटीशन अभी उसकी पेंडिंग चल रही है। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसका वापस रिव्यू किया जा सकता है कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अशोक होरा वर्सेस रूपा होरा 2002 का एक केस आया था, उसमें ये बात करी थी कि जब एक बार रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर देना तो उसके बाद भी दोबारा रिव्यू की पिटीशन डाली जा सकती है, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ग्राउंड पे होना चाहिए कि आप इस ग्राउंड पे साथ रिव्यू करिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये अभी भी क्लैरिफाई नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट, ये गलत सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करी है, सही तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, दोबारा रिव्यू डाल सकते हैं, और उस जो रिव्यू का रिव्यू होगा उसको कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। और अगर मान लीजिए कोई जजमेंट में क्लैरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक है, या कोई ऑर्डर में क्लैरिकल अर्थमेटिकल, मतलब लिखना कुछ वर्ड जा रहे थे कुछ और टाइप हो गया है, या फिर आप नंबर 1000 लिखना चाह रहे थे लिखा हम 100 आ गया है या 10000 लिखने में आ गया है, तो वो जो है वो क्लैरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक है जो उसको सुप्रीम कोर्ट बिना रिव्यू के भी चेंज कर सकता है। इसके लिए रिव्यू पिटीशन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो रिव्यू पिटीशन बेसिकली कब डाली जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या कोई ऑर्डर दे देता है और उसको आप वापस सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की एप्लीकेशन डालते हैं कि इसको आप वापस एक बार देखिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं एक मिस्टेक है, या पार्टीज़ जो हैं उनको लगता है कि इसको एक बार दोबारा आपको देखना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं जो मटेरियल पॉइंट है, जो मटेरियल राइट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश है या उनमें क्लियरेंस नहीं है अभी भी। तो दैट इज़ आर्टिकल नंबर 137। थैंक यू।